चलो इधर से चालू करते हैं। बीबी तमोलन का मकबरा। तो ये दोस्तों, ये जो है बीबी तमोलन का मकबरा है। चलो देखते हैं, यहाँ स्थित चतुर्थ मकबरा तमोलन बीबी का है, जो परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार ये मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वही एक दूसरी अनुश्रुति इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा नहीं निर्मित मानती हैं, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। बीबी तमोलन स्टॉम्ब। सहा बेगम का मकबरा। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को सहा बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम सहा बेगम का मकबरा है। मानबाई उमर आमेर के राजा भागवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 में उन्होंने खुसरो का जन्म दिया। सलीम मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। सहा बेगम ने 1603 में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग का नाम से जाना जाने लगा। इस मकबरे का नाम नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का राजा ने 1606 से 1607 के बीच तैयार किया था।
ये एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी एक छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। इसके ठीक नीचे शाह बेगम का कब्र स्थित है। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मुस्किन कलाम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है। शाह बेगम मकबरा। नासिर बेगम टॉम्स। नासिर बेगम का मकबरा। नासिर बेगम का मकबरा। नासिर बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। ये मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प मेहराव सोनवर के वृक्ष एवं तारों का वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। Thank you.
खुसरो का मकबरा। खुसरो जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ई में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उसका ससुर मिर्जा अजीज को का और उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो के गद्दी पर बिठा। अच्छा, ये तो पढ़ लिया हूँ। चलो इसका ये क्या है भाई, पता नहीं। इसको क्या गेट बोलते हैं भैया, इसको क्या गेट बोलते हैं? है जो जो ना। अच्छा, कितना बड़ा गेट है भाई। पुराना पुराना गेट कितना बड़ा हुआ। खुसरो बाग का ये पीछे वाला दरवाज़ा है, और ये पीछे वाले दरवाजे से फिर सामने चलते हैं। खुसरू बाग।